हेलो दोस्तों, डिजिटल क्लासरूम तुहाडा स्वागत है। तो अज्ज दे इस लैसन दे विच मैं तुहाडे नाल एक बहुत ही इंपोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है उसनूं सांझा करन जा रहे हैं। तो पंजाब दे विच नवीं भर्ती रिलीज़ हुई है, तो की पोस्टां ने कि कैंडीडेट अप्लाई कर सकते हैं, की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारियां गल्लां आपां इस वीडियो लैसन दे विच तुहाडे नाल सांझा करन जा रहे हैं। तो जेकर तुसीं साडे इस चैनल नूं हले तक सबसक्राइब नहीं किया तो सब तो पहले सबसक्राइब कर लो, बैल आइकोन प्रेस कर दो। इहदे नाल तुहानूं जो मेरी हर वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सब तो पहले मैं तुहानूं दस दवां कि जो वैकेंसीज़ ने बेअंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी गुरदासपुर की रिक्रूटमेंट है, तो ये वैकेंसीज़ ने रेगूलर पोस्टा नहीं, इतने मैं कोई प्राइवेट या फिर ठेके के आधार के उत्ते निकलियां वैकेंसीज़ की गल नहीं कर रहा। ये जो वैकेंसी ने बिल्कुल रेगूलर बेसिस ने, ठीक है। तो रेगूलर पोस्टा निकलिया ने, तो टोटल जो पोस्टा निकलिया ने वह ने 25 पोस्टा, ठीक है। तो कुल 25 पोस्टा निकलिया ने, जिन्हों के कंप्यूटर ओपरेटर दिया 2 पोस्टा ने, लैब अटेंडेंट दिया 12 पोस्टा ने, पीएन दिया 7 ने, ड्राइवर दिया 2 ने, सीवरमैन दिया ने 1, उस तो बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी 1 पोस्ट है, ठीक है। तो ये इन्होंने पूरा जो वैकेंसीज़ निकलियां ने उन्होंने बारे आपां दस्या, तो उस तो बाद जो मेन चीज़ है वह ये है कि एजेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने की रखी है, किहड़े किहड़े कैंडीडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर ओपरेटर की जो पोस्ट है ये इन्होंने PGDCA की हुई जरूरी रखी है, ठीक है। तो उस तो बाद इन्होंने जेकर लिखे भी जेकर तुहाडी PGDCA नहीं की, ठीक है, तो फिर जेकर तो असी BSc इन IT की है तो भी तुसी अप्लाई कर सकते हो। BSc वाले वो कैंडीडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्हां कोल कोई होर कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो इत्थे नोटिफिकेशन दे विच पूरा क्लीयरली मैनशन नहीं है कि ISO वाले कैंडीडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये चीज़ इत्थे क्लीयर नहीं हैगी। शायद ISO वाले कैंडीडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते होणगे, उहदा कारण की है कि जेकर ISO वाले कैंडीडेट ही अप्लाई कर सकते होंगे तो फिर इन्होंने डायरैक्ट इतने लिखा होना चाहिए सीगा कि ग्रेजुएशन विद ISO सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी होनी चाहिए सी, पर इन्होंने थोड़ा जा उलझावी तरीके लिखे, सिर्फ उन्हें कैंडीडेट को ये एलिजिबल मनणगे जिन्होंने जो कंप्यूटर है वो अपनी ग्रेजुएशन विच कीता है, ठीक है। तो BSc विद IT की हो फिर उन्होंने ग्रेजुएशन तो बाद की है PGDCA वगैरह की हो, ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने मेन रखी है इतने। तो उस तो बाद आप गल करते हैं लैब अटेंडेंट की पोस्ट की, तो यद जो क्वालिफिकेशन रखी है वो रखी है मैट्रिकुलेशन, ठीक है। तो 10वीं की होनी चाहिए है, PN की पोस्ट लई 8वीं होनी चाहिए है, 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए है। ड्राइवर की जो पोस्ट है ये 10वीं की होनी चाहिए 55% मार्क्स के नाल, उस तो बाद 5 साल का लाइट व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उस तो अलावा तुहाडे कोल ड्राइविंग लाइसेंस भी तुहाडा होना चाहिए, ठीक है। उस तो बाद सीवरमैन दी जो पोस्टां ने इन्होंने मिडल पास विद मिनिमम 55% मार्क्स रखे, तो उसी तरह जो लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है ये इन्होंने बैचुलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स रखे, ठीक है। तो तुहाडी बैचुलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के, उस तो अलावा तुहाडे कोल 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो हुण आपां आउणे आ कि अप्लाई तुसीं किद्दां करना है। तो अप्लाई की जो फीस आ वो 500 रुपये जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी वाले जो उम्मीदवार ने उन्हां लई, SC ST कैटेगरी वाले जो कैंडीडेट आ उन्हां लई 250 रुपया फीस रखी है, ठीक है। तो तुसीं इहदा जो डिमांड ड्राफ्ट है वह बनाउणा है, तो उस तो बाद तुसीं एक परफॉर्मा फिल करना है जिहदा लिंक तुहानूं इसे जो वीडियो लैसन आ उस दे कमेंट बॉक्स ते डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाना है। तो तुसीं इत्थों जाके अपना जो परफॉर्मा उस नूं डाउनलोड कर सकते होंगे, ठीक है। तो यह पूरा परफॉर्मा फिल करना है, तो जिहड़े एजेंशियल डॉक्यूमेंट्स आ उस नूं तुसीं इहदे नाल अटैच करना है। तो उस तो अलावा तुसीं डिमांड ड्राफ्ट बना के जेकर जनरल कैटेगरी दे तुसीं बिलोंग करते हो तो 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनाउणा है, और जेकर SC ST बिलोंग करते हो 250 का डिमांड ड्राफ्ट बना के वह सारिया चीज़ों को अटैच करके तुसीं डायरेक्टर BCET गुरदासपुर इन्हां दे नाम ते सबमिट करवाउणा है, ठीक है। तो इन्हां दे डायरैक्ट तुसीं जो कॉलेज है उत्थे जाके ये जो पूरा तुहाडा परफॉर्म है ये सारा तुसीं जाके जमा करवाउणा है, ठीक है। तो तुसीं जो अपना डिमांड ड्राफ्ट किन्हां दे नाम ते बनाउणा है तो वह भी तुसीं बनाउणा है डायरैक्टर BCET गुरदासपुर के नाम से, ठीक है। तो ये नाम से तुसीं अपना जो डिमांड ड्राफ्ट है उस नूं बनाउणा है। तो अखीरली डेट जो अप्लाई करन दी वह हैगी 28/8/2019, ठीक है। तो ये अखीरली डेट है, तो इस तो पहला तुसीं अप्लाई कर देने। तो होर जानकारी जो बाकी इस पोस्ट की रिगार्डिंग है वो तुसीं ये जो पूरी पोस्ट मैंने punjabexams.com के उत्ते पाई है उस दे विच जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही इनफॉर्मेशन मैं तुहानूं देनी सी। तो जेकर तुहानूं ये वीडियो लैसनज मेरा जानकारी तुहानूं प्रोवाइड करवाउणा वधिया लगता है तो तुसीं इस लैसन वध तों वध शेयर करना है। तो हुण आपां मिलदे फिर नैक्सट वीडियो लैसन विच, थैंक यू।